हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। प्रीवियस क्लास में जो हमारा एमएससी प्रीवियस का लेक्चर था, उसमें हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक था लग्रेंजे इक्वेशन, उसको डिस्कस किया था। अब उस लग्रेंजे इक्वेशन से हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो उनमें से हम लगभग 10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सभी प्रॉब्लम में इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व करते थे, यहां पे हम लग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लग्रेंजे इक्वेशन से न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, आप लग्रेंजे इक्वेशन को यूज में लेते हुए न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे। तो सब इसका क्वेश्चन लिख देता हूं। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, पहली जो प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर, आपने एक पार्टिकल मान लिया, कोई पार्टिकल है एम मास का जिसकी मोशन आप कंसिडर कर रहे हैं और उसके लिए आपको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करना है। कंसिडर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, या सिस्टम भी बोल सकते हो यहां पे, ऑफ मास एम यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ मोशन या न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम लग्रेंजे इक्वेशन, फ्रॉम लग्रेंजे इक्वेशंस। लग्रेंजे को इक्वेशन को यूज में लेते हुए आपको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने। अब देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझे, क्या क्या चीज दे रखी है यहां पे आप फोकस करें। यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आप यूज में लेते हैं क्योंकि उसकी जगह आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज में लेने हैं, मतलब एक्स वाई और जेड ये यूज में लेने हैं आपको उसकी जगह, क्योंकि की वैल्यू जो होंगी वो एक्स वाई जेड होंगी, ये आपको दिया हुआ है। दूसरी चीज, आपको सिस्टम नहीं पता है कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्म लग्रेंजे इक्वेशन का यूज में लेंगे, जनरल फॉर्म। क्या होता है, डी बाई डी टी डेल टी ओवर डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी ओवर डेल क्यू के, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू के, ठीक है। क्यूके की वैल्यू आपके पास एक्स वाई जेड आ गई, क्यूके डॉट की हो जाएगी एक्स डॉट वाई डॉट जेड डेट, और क्यूके यहां पे क्यूके क्या है जनरलाइज्ड फोर्स, तो क्यूके क्या होंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, फोर्स क्या होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ये रिक्वायरमेंट्स थी आपकी जो आपको क्वेश्चन से पता चल गई। अब क्वेश्चन से आपको ये चीजें पता चल गई तो आप इसको आगे इस फॉर्मेट में सोल्व कर सकते हैं। तो हमने जो चीजें रिक्वायर्ड थी उनके बारे में डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहले आपको सिस्टम डिफाइन नहीं कर रखा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, पहला काम है लग्रेंजे इक्वेशन को लिखना। कौन सा यूज में आएगा यहां पे, जनरल फॉर्म। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द जनरल फॉर्म ऑफ लग्रेंजे इक्वेशन बी क्या हो जाएगा आपके पास, डी बाई डी टी डेल टी ओवर डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी ओवर डेल क्यू के इक्वल टू कैपिटल क्यू के। ये तो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लग्रेंजे इक्वेशन को यूज में लेना है, तो वो हमने लिख दिया। यहां पे क्या लेना है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की जगह क्या दे रखे हैं आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्योंकि मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन में क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, क्योंकि डॉट क्या हो जाएंगे एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, और फोर्स क्या हो जाएगा जनरलाइज्ड फोर्स एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इतनी चीज आपको पता चल गई। तो सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले, तो फॉर एक्स कोऑर्डिनेट,
एक्स कोऑर्डिनेट के लिए निकालें तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए डी बाई डी टी डेल टी ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल टी ओवर डेल एक्स, क्योंकि इस जगह एक्स लिखना है आपको और कैपिटल क्योंकि की जगह क्या हो जाएगा एफ एक्स। एक चीज और, टी जी आपको काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपको पता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, टी क्या होती है वन बाई टू एम वी स्क्वायर, वी के कौन कौन से होंगे वी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे आप इसको वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, इसको आप सोल्व करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी एम वी एक्स को क्या लिख सकते हैं आप एक्स डॉट स्क्वायर, वी वाई को वाई डॉट स्क्वायर और वी जेड को जेड डॉट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। इस इक्वेशन की जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपने पास आ गई, तो हमने जो जो रिक्वायरमेंट्स थी इसकी वो लिख दी। अब देखिए यहां पे वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी डेल टी ओवर डेल एक्स डॉट, डेल टी ओवर डेल एक्स डॉट चाहिए, टी ये रहा आपके पास, तो टी की वैल्यू है वन बाई टू एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। यहां से आप निकाल लीजिए क्या निकालना है आपको, डेल टी ओवर डेल एक्स डॉट क्या आ जाएगा, देखिए एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वन बाई टू एज इट इज एम एज इट इज एक्स डॉट स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स डॉट, बाकी सभी का जीरो, तो क्या आ गया आपके पास एम एक्स डॉट। ऐसे ही आगे डेल टी ओवर डेल वाई डॉट चाहिएगा उसका क्या आ जाएगा एम वाई डॉट, और डेल टी ओवर डेल जेड डॉट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा एम जेड डॉट। तो सबसे पहले ये चाहिए आपको, तो यहां पे ये एक्स डॉट है, रख दीजिए वैल्यू, डेल टी ओवर डेल एक्स डॉट की वैल्यू है एम एक्स डॉट माइनस डेल टी ओवर डेल एक्स। अब देखिए टी में एक्स का टर्म नहीं है, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट के हैं, तो एक्स का टर्म नहीं है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा जीरो, इक्वल टू क्यू एक्स, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है एफ एक्स है आपके पास, तो क्यू एक्स की वैल्यू आपने लिख दी, तो आपके पास मैं इधर लिख देता हूं इसको, क्या आ गया डी बाई डी टी एम एक्स डॉट माइनस जीरो इक्वल टू एफ एक्स आ गया। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गया एम एम इंटू एक्स डॉट, एम इंटू एक्स डॉट का मतलब वी एक्स, एम इंटू वी क्या होता है आपके पास, तो एफ एक्स क्या आ गया डी बाई डी टी एम इंटू वी एक्स डॉट, मतलब एम इंटू एक्स डॉट को मैं क्या लिख सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, ये क्या आ गया पी एक्स, इक्वेशन नंबर टू या थ्री जो भी। सिमिलरली हम ये तो हमने लग्रेंज इक्वेशन लगाया किसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, सिमिलरली वाई के लिए क्या हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू डी वाई डी टी पी वाई, जेड कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू डी वाई डी टी पी जेड, ये थ्री और ये फोर। ठीक है, आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास इतनी वैल्यू आ रही है, तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इन जनरल फॉर्म एफ का जो आपके पास एफ वेक्टर है वो क्या हो जाएगा एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, तो उसको क्या लिखेंगे आप एफ वेक्टर। यहां पे क्या हो जाएगा डी बाई डी टी सभी में है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी टी पी वेक्टर। क्या ये न्यूटन का इक्वेशन नहीं था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है नहीं होता है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फाइव, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ठीक है, इसकी जगह एफ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर डॉट भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए लग्रंजे इक्वेशन से अपन ने न्यूटन के लॉ पे पहुंच गए, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से हम लग्रंजे इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम है
और उस प्रॉब्लम में सिंपल पेंडुलम के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने हैं, किसको यूज में लेते हुए, लग्रांजे इक्वेशन को यूज में लेते हुए। अब आपको पता चल जाना चाहिए सिंपल पेंडुलम दे रखा है, इसका मतलब सिस्टम दे रखा है, और सिस्टम कैसा दे रखा है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, सभी को पता है सिंपल पेंडुलम है वो कंजर्वेटिव मोशन करता है, तो उसके लिए आप कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, लग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, कौन सा आप लगाएंगे, कंजर्वेटिव वाला। तो क्वेश्चन लिख देता हूं, पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर टू, सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है, क्वेश्चन है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बाय यूजिंग लग्रांजियन फॉर्मूला या लग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। इसमें टाइम पीरियड भी निकालना है, फॉर इट्स टाइम पीरियड फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड की अगर वो ऑसिलेशन करे, छोटे छोटे ऑसिलेशन करे, तो आपको उसके लिए टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं सिस्टम बना देता हूं। ये मेरे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये यहां पे एयर लेंथ किसकी स्ट्रिंग है, ये इसका सस्पेंशन पॉइंट कोई सी है, ठीक है। अब ये अपने इस मेन पोजीशन से कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पे मूवमेंट कर रहा है, यहां पे इसका मास है एम, बॉब का मास अपन ने क्या मान लिया, एम मान लिया, और ये ए पॉइंट पे पहुंच गया। अब ये किस तरीके से मोशन करेगा, ऐसे मोशन करेगा, सिंपल पेंडुलम ऐसे मोशन करता है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है, ये आपने इसको पॉइंट बी दे दिया, यहां तक ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने एस दे दिया, ठीक है, ये अपने मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है, सिंपल पेंडुलम इर्द गिर्द मोशन करता है, ये आपको सिस्टम के बारे में पता है। अब टू एंड फ्रो मोशन करता है तो सीधी सी बात है इसकी एनर्जी कंजर्व रहती है, तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सिस्टम कैसा है, कंजर्वेटिव, तो आपके पास कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या लगाएंगे, लग्रांजे इक्वेशन, सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपल पेंडुलम किसका एग्जांपल है, कंजर्वेटिव सिस्टम का, द लग्रांजे इक्वेशन फॉर सिंपल पेंडुलम या कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होंगे, डी बाई डी टी डेल एल और डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल सॉरी डेल क्यूब के डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यूब के इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन, वेयर एल क्या होता है, लग्रांजियन, टी माइनस वी होता है लग्रांजियन ऑफ द सिस्टम। तो देखिए क्या क्या चाहिए आपको, सबसे पहले तो क्यूब के डिफाइन करना है, क्यूके डॉट, फिर आपको चाहिए एल, एल के लिए काइनेटिक एनर्जी टी और पोटेंशियल एनर्जी वी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये दो चीजें आपके पास आ गई। तो ये सारी चीजें पहले आप आपका जो लग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लिखिए, फिर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए, फिर वो वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो ये पेंडुलम है वो किस तरीके से मोशन कर रहा है, तो मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में पेंडुलम के बारे में लिख देता हूं, फिर हम लग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा पेंडुलम के बारे में हम लिख देते हैं, लेट हमने क्या माना है, पेंडुलम के लिए जो थीटा है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेट थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम
सिंपल पेंडुलम। थीटा को हमने क्या मान लिया, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लिया। कहां से, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य अवस्था से। ये आपके पास थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और पॉइंट कौन सा है, ए। इक्विलिब्रियम पोजीशन ए से ये इस तरीके से मोशन कर रहा है, ठीक है। ए मान लो, ओ मान लो, चलो इसको ओ मान लो, ये पॉइंट ओ ले लो आप, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब देखिए इसको ओ, ये बी, ए तो इधर है ना, हाँ ठीक है। ये पोजीशन हो गई आपके पास, हमने इसकी लेंथ कितनी मानी है, लेट एल इज द लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, जो रस्सी है उसकी लेंथ कितनी है, एल है। एंड एम इज द मास ऑफ बोब, जो ये जो बोब है, जो मास नीचे लटका हुआ होता है पेंडुलम के नीचे, जिसको आप लोलक भी बोलते हैं, उसकी जो मास कितना है, एम है। ये अपन ने इसके बारे में लिख दिया, ठीक है। तो अब आपके पास ये सिस्टम कैसा हो गया, कंजर्वेटिव सिस्टम हो गया। देन लग्रांजे इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डी बाई डी टी डेल एल ओवर डेल क्यूब के डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यूब के इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन, वेयर एल क्या होगा, टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज लग्रांजियन ऑफ द सिस्टम। तो ये तो अपने पास क्वेश्चन से सारी चीजें आ गई, क्वेश्चन से हमने ये सारी चीजें पता लगा ली यहां पे। अब ये पता लगने के बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, सबसे पहले आपको पता लगाना है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यूब के क्या है, ठीक है। उसके बाद एल निकालना है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो सेपरेटली हम निकालेंगे, पहले काइनेटिक फिर पोटेंशियल। अब आप इस डायग्राम को देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा। तो यहां पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है जो चेंज हो रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपने पढ़ा था कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, यहां पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, वन। तो एक ही कोऑर्डिनेट आपके पास थीटा जो है, भाई थीटा ही तो चेंज हो रहा है, बाकी एल तो कॉन्स्टेंट है, एल थोड़ी बदल रही है। थीटा ये इधर जाएगा तो कुछ होगा, इधर जाएगा कुछ होगा, तो कहने का मतलब थीटा चेंज हो रहा है, तो कहने का मतलब थीटा आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, तो पहली चीज तो आपको क्या मिल गया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिल गया। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो अपने काम में आएगा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यूब के कितना है, थीटा। तो क्यूब के डॉट क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा डॉट। इतनी बात क्लियर है आपको। चाहिए एल, एल के लिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। टी इक्वल टू क्या होता है, वन बाई टू एम वी स्क्वायर, तो वन बाई टू। तो एम वी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, पहले वी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पे इस मेन पोजीशन से ए पॉइंट तक जाने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। तो देखिए इफ यहां पे मैं बात करूं, द डिस्प्लेसमेंट ओ ए इक्वल टू कितना है, एस, ओ ए इज गिवन बाई, ये कैसे आपके पास दिया जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू एस। तो एस आपके पास क्या हो जाएगा, आपको पता है एस जो है वो चाप है, चाप इक्वल टू आप कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या होता है भाई, आपके पास एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क निकालना है, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल इंटू थीटा, ठीक है। एस आ गया, तो एस तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी वी क्या हो जाएगी, वी क्या हो जाएगी, डी बाई डी टी इंटू एस, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, एस की वैल्यू रख दो एल थीटा, एल कॉन्स्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, बाहर आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट। तो वी की वैल्यू आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो गया आपके पास, इसका कार्य खत्म हो गया। नहीं 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 चाहिएगा, तो फिर से बना देता हूं, ये डायग्राम चाहिएगा आपको, यहां पे सी था,
ये ए पॉइंट था, ये इसका मास एम था, ये बी पॉइंट था, ये ओ था, ये लेंथ एल थी, ठीक है, ये आपको चाहिएगा, ये एस था और ये थीटा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगी, यहां से लिख देता हूं मैं, टी इक्वल टू क्या था, 1/2 mv2, तो 1/2 mv की वैल्यू है एल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू, काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो एल में टी तो आ गया, अब आपको पोटेंशियल एनर्जी और निकालनी है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर आपका जब ये पेंडुलम यहां पे होता है, बॉब ए पे, ए पॉइंट पे होता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, उससे आप निकाल सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम व्हेन बॉब इज एट कौन से पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे, तो v क्या हो जाएगा, एम जी इंटू एच, हाइट देखो कितनी है, h मतलब ये है, इससे कितनी हाइट पे है, ob हाइट है, एम जी इंटू ob, तो आपके पास mg तो एज इट इज, ob की वैल्यू क्या हो जाएगी, ob जो है वो इस पूरे में से ऊपर वाला हटा दे तो हो जाएगा, मतलब oc माइनस bc है या नहीं है, आपको पता है जो आपके पास ये जो पूरी लेंथ है l है, तो ये वाली लेंथ भी पूरी क्या होगी आपके पास, l होगी, तो ये लेंथ L है, टोटल पूरी लेंथ L है, ये और ये लेंथ बराबर है, तो आपके पास OC तो कितना है, L माइनस BC निकाले, ये L है, ये थीटा है, तो ये वाली इतनी जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, ये L cos थीटा होगी या नहीं, आप निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से, ये वाली लेंथ कितनी होगी, L cos थीटा, तो ये क्या आ गई, माइनस L cos थीटा, तो आपके पास V क्या आ गया, एम जी, एल कॉमन ले लो, 1 माइनस कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आपको चाहिए क्या, लग्रांजियन, तो लग्रांजियन ऑफ द पेंडुलम क्या हो जाएगा, लग्रांजियन ऑफ द पेंडुलम आपके पास क्या हो गया, L इक्वल टू टी माइनस वी, तो आपके पास L इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है, 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये रहा आपके पास है, क्या है, लग्रांजे इक्वेशन, इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो क्यूब के डॉट की जगह मैं वैल्यू भी रख देता हूं, डी बाई डी टी डेल एल ओवर डेल क्यूब के डॉट, मतलब डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यूब के की वैल्यू आपको पता चल गई यहां से। अब ये वैल्यू निकाल ले और यहां पे रख दे, तो सबसे पहले देखिए अब इसका काम खत्म हो गया, तो सबसे पहले आपको निकालना है डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट, तो देखिए क्या आ जाएगा, डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट निकाले यहां से, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका होगा, इसका जीरो हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 1/2 ml² कॉन्स्टेंट एज इट इज थीटा डॉट स्क्वायर का 2θ डॉट, तो ये क्या आ गया आपके पास, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, और क्या चाहिए, डेल एल ओवर डेल थीटा चाहिए, तो वो भी निकाल दीजिए, डेल एल ओवर डेल थीटा कितना आ जाएगा, इसका तो जीरो क्योंकि थीटा का टर्म नहीं है, थीटा डॉट है, माइनस माइनस एम जी एल, भाई अंदर मल्टीप्लाई करो तो एम जी एल कॉन्स्टेंट है जीरो, माइनस माइनस प्लस एम जी एल कोस थीटा का क्या हो जाएगा, एम जी एल एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 मान रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 ही मान रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसको आगे सोल्व कर दीजिए, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, तो देखिए एम एल स्क्वायर तो बार थीटा का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा डबल डॉट माइनस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो, एम एल स्क्वायर का मैं दोनों तरफ भाग दे रहा हूं, तो थीटा डबल डॉट माइनस यहां पे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले ना, तो ये डबल डॉट का टर्म के रूप में निकाले, डबल डॉट का मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है,
एक डॉट का मतलब वेलोसिटी, डबल डॉट का मतलब एक्सीलरेशन, यहां पे एक्सीलरेशन का टर्म आना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की बजाय एक्सीलरेशन भी पूछ लेता है, तो थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा इसको उस तरफ भेज दो, एक्सीलरेशन आ गया। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी निकाले तो थीटा डबल डॉट, एक्स डबल डॉट, क्यू के डबल डॉट उसके टर्म में जनरली निकाले, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा डबल डॉट। ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, हमने किससे निकाल लिया, लग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब उसने ये भी कहा है कि स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन के लिए इसका टाइम पीरियड भी निकालो, तो फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन मतलब अगर छोटे छोटे ऑसिलेशन हो वो अपने जो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूमे, स्मॉल ऑसिलेशन हो मतलब थीटा की वैल्यू बहुत कम हो, तो क्या हो जाएगा उस केस में आपके पास, उस केस में हो जाएगा आपके पास जो साइन थीटा है वो स्मॉल एंगल के लिए किसके बराबर होता है, लगभग बराबर होता है थीटा के, तो यहां से क्या आ जाएगा थीटा डबल डॉट माइनस जी बाई एल थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपको पता है कि आप जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं, कैसी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे ये पढ़ते हो एक्स डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, या थीटा डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, और भी किसी कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस टर्म में आते हैं आपके पास। सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ इस प्रकार की होती है, मतलब इस एक्स या थीटा के साथ जो है वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर कितना है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर है जी बाई एल, तो ओमेगा क्या आ गया रूट जी बाई एल। आपको पता ओमेगा क्या होता है, टू पाई एफ, एफ क्या होता है टू पाई ओवर टी, तो रूट जी बाई एल। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा यहां से, टाइम पीरियड टी क्या आ जाएगा टू पाई रूट एल बाई जी। तो टाइम पीरियड पूछा था वो भी हमने निकाल दिया, तो कहने का मतलब आपको लग्रेंज इक्वेशन से जो भी प्रॉब्लम दी हुई है आप उसको सोल्व कर सकते हो। ये दो क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका वो है एटवुड्स मशीन, लग्रेंजियन इक्वेशन से ही हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है एटवुड्स मशीन क्या होता है, तो एक तो आपको क्वेश्चन ये दे सकता है कि वुड्स मशीन है, एटवुड्स मशीन है, उसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, या फिर क्वेश्चन आपको दे सकता है मतलब उसको डिस्क्राइब कर सकता है, फिर पूछ सकता है क्या होती है, वो मैं आपको क्वेश्चन से यहां पे समझाने वाला हूं। एटवुड्स मशीन देखिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, थर्ड क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू मासेज कनेक्टेड बाई, कनेक्टेड बाई एन इनएक्सटेंसिबल, कनेक्टेड बाई एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मॉल स्मूथ पुली। ये एटवुड्स मशीन होती है, मतलब एक पुली है, स्मॉल स्मूथ पुली है आपके पास, जैसे एक पुली है ये, इसके ऊपर से दो मास है, जैसे एक मास ये आपके पास हो गया M1, ठीक है, दूसरा मास ये हो गया आपके पास M2, और स्ट्रिंग की लेंथ हो गई L, इनएक्सटेंसिबल है मतलब लेंथ है वो इसकी कम या ज्यादा नहीं हो सकती, भाई M1 नीचे चला गया तो इस तरफ ज्यादा आ जाएगी उधर कम हो जाएगी, तो ये आपके पास एटवुड्स मशीन होती है। अब जैसे मान लू मैं किसी टाइम पे यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो इधर कितनी बच जाएगी L माइनस x बच जाएगी, तो ये आपके पास वुड्स मशीन का एग्जांपल हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है, दूसरा क्वेश्चन ये है, अभी तक यहां पे ये जो पुली है इसको आपने क्या माना है, एक जगह पे पुली को माना है, अगर मैं इसको क्या मान लू स्मॉल डिस्क मान लू आर रेडियस की, तब क्या हो जाए, यही क्वेश्चन जब आप इसको आर रेडियस की एक स्मॉल डिस्क मान लो तब क्या हो जाएगा, कैलकुलेट एक्सीलरेशन भी बोल सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकता है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम
ऑफ द सिस्टम इफ द पुली इज ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। आपको अगर ये कह दिया जाए कि ये जो पुली है वो आर रेडियस की एक आपके पास डिस्क है, तो हम अभी तक पहले एग्जांपल में तो इसकी रोटेशनल मोशन को कंसीडर नहीं करेंगे और सेकंड एग्जांपल में इसकी रोटेशनल मोशन को भी हमें कंसीडर करना है सेकंड क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, सेकंड वाले को एक बार के लिए भूल जाइए, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं सबसे पहले हम। तो आपको पता है एक तो जो वुड्स मशीन होती है वो एग्जाम्पल होती है किसका, कंजर्वेटिव सिस्टम का। जैसे ही आपको सिस्टम दे दिया जाए उसको पहचानना है कंजर्वेटिव है या नहीं है। कंजर्वेटिव सिस्टम विद होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट कैसे है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है L, मतलब ये जो M1 M2 मास है वो L लेंथ तक ही नीचे ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। तो होलोनोमिक कॉन्स्टेंट के साथ क्या है कंजर्वेटिव सिस्टम है, इसकी एनर्जी कंजर्व रहती है। तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तो क्या लगेगा कंजर्वेटिव वाला लगेगा, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट में लिख सकते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहां से लेके यहां तक x, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपके पास x आ गया, तो आप सीधा उसको क्या हो जाएगा मैं लिख देता हूं साइड में, आपको क्या इक्वेशन यूज में लेना है डेल l ओवर डेल x डॉट माइनस डेल l ओवर डेल x इक्वल टू जीरो। l क्या है t माइनस v, तो ये आपको इस्तेमाल लेना है। तो सबसे पहले l निकालना है t माइनस v निकालना, तो उस काम पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं एटवुड्स मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम विद होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट। ये तो सभी को समझ में आ जाना चाहिए क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि क्वेश्चन में तो दे रखा अपने को लेकिन अपने को तो सॉल्यूशन में भी तो बताना है सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। तो लेट टू मासेज, अब हमने दो मास कौन कौन से माने M1 एंड M2, टू मासेज बी M1 एंड M2 विच आर कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है कि स्ट्रिंग से, विच आर कनेक्टेड बाई एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, उसकी लेंथ हमने टोटल लेंथ क्या मान ली L मान ली। अब देखिए M1 है उसकी यहां से कितनी डिस्टेंस है x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम ये मान ले सपोज ये वेरिएबल वर्टिकल डिस्टेंस है, M1 कितना वर्टिकली वेरी कर रहा है x डिस्टेंस, तो ये वाला कितना करेगा L माइनस x, तो पुली से कितना वेरी कर रहा है x और ये कितना कर रहा है L माइनस x। तो लिखेंगे सपोज x इज द या बी द वेरिएबल वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम पुली टू मास m1, की जो आपके पास वेरिएबल वर्टिकल डिस्टेंस ही है, देन m2 कितनी डिस्टेंस पे होगा, m2 विल बी एट l माइनस एक्स डिस्टेंस फ्रॉम पुली। तो ये दोनों चीजें आपने डिस्क्राइब कर दी जो सिस्टम में था। अब आपको पता है ये आपके पास लग्रांजी इक्वेशन ऑफ मोशन होगा तो इसके लिए रिक्वायर्ड चीजें हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए x डॉट मतलब वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1 बाई टू एम वी स्क्वायर, तो v की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके लिए वेलोसिटी और इसके लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए
सबसे पहले हम आते हैं वेलोसिटी पे. नाउ द वेलोसिटी इज, नाउ द वेलोसिटी इज ऑफ टू मासेज, वेलोसिटी इज ऑफ टू मासेज आर. वेलोसिटी इसके लिए मैंने मान लिया कि वेलोसिटी है वो v1 है, तो v1 क्या हो जाएगी डी एक्स बाई डी टी. भाई कितनी डिस्टेंस है इसके लिए, वेरिएबल डिस्टेंस x है, तो ये तो क्या हो गई x डॉट. दूसरे वाले के लिए वेलोसिटी मैंने मान ली v2, v2 क्या हो जाएगी d by dt. डिस्प्लेसमेंट कितना उसके लिए l माइनस एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट l माइनस एक्स है, तो l का तो t के रेस्पेक्ट में जीरो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस dx by dt, मतलब माइनस x डॉट. ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम t इक्वल टू क्या होता है वन बाई टू एम वी स्क्वायर, v के दोनों कंपोनेंट लिख दो तो क्या हो जाएगा वन बाई टू. पहले के लिए मास कितना है m1 और उसके लिए वेलोसिटी कितनी है x डॉट स्क्वायर. दूसरे के लिए मास कितना है m2, वेलोसिटी कितनी है माइनस x डॉट, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो x डॉट ही हो जाएगा x डॉट स्क्वायर. तो t तो क्या आ गई आपके पास वन बाई टू एम वन प्लस एम टू एक्स डॉट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करते हैं अपन, एक रेफरेंस मान लेते हैं और उसके ऊपर या नीचे देखते हैं. मान लीजिए रेफरेंस हमने ये पॉइंट मान लिया, ये रेफरेंस है, इसके ऊपर होगी तो एम जी एच, नीचे होगी तो माइनस एम जी एच, तो इसके नीचे की तरफ है तो ये वाली तो क्या होगी वी, इसके लिए क्या होगी माइनस एम वन जी, और एच की जगह इसके लिए हाइट कितनी है एक्स. दूसरे वाले के लिए देखो माइनस एम टू जी, तो सभी के लिए सेम, हाइट कितनी है एल माइनस एक्स, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई. अपने को क्या चाहिए लग्रेंजियन, लग्रेंजियन क्या होता है एल इक्वल टू टी माइनस बी, रख दो लग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम. तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास टी माइनस बी, तो रख दीजिए वैल्यू वन बाई टू एम वन प्लस एम टू एक्स डॉट स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस एम वन जी एक्स प्लस एम टू जी एल माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर ये टू ये थ्री. ठीक है, अब आपको चाहिए क्या लग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन. कंजर्वेटिव सिस्टम है तो कौन सा हो जाएगा लग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम. इस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा कंजर्वेटिव है तो क्या हो जाएगा d बाई डी टी डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट, क्यों यहां पे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है x आपके पास, माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो. यहां पे सबसे पहले तो डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट निकालो, निकालो इससे x डॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई टू एम वन प्लस एम टू, तो एज इट इज एक्स डॉट स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स डॉट, टू से टू कट गया एम वन प्लस एम टू एक्स डॉट, ये तो आ गया. डेल एल ओवर डेल एक्स कितना आएगा यहां से देखो इसका जीरो, ये हो जाएगा एम वन जी और आगे वाले का एम टू जी एल, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, इसका जीरो एम टू जी एक्स उसका क्या हो जाएगा माइनस का एम टू जी, तो एम वन माइनस एम टू इन टू जी, ये आ गया आपके पास. ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, वैल्यू रख देंगे हम तो क्या आ जाएगा देखिए डी बाई डी टी डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट की वैल्यू ये रही एम वन प्लस एम टू इन टू एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स मतलब माइनस एम वन माइनस एम टू इन टू जी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा एम वन प्लस एम टू एक्स डॉट का एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में और करेंगे तो डबल डॉट माइनस एम वन माइनस एम टू इन टू जी इक्वल टू जीरो. चलिए क्या हो जाएगा इसका पूरे में भाग दे दीजिए तो x डबल डॉट माइनस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू g इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया. अगर पहले क्वेश्चन में आपको एक्सीलरेशन पूछ ले तो एक्सीलरेशन क्या होता है x डबल डॉट अगर पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा ये लीजिए m1 प्लस m2 इनटू g,
अगर एक्सीलरेशन जैसे सेकंड में पूछा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन तक तो वहां पे भी निकालना पड़ेगा और ये एक्स्ट्रा हो जाएगा उसमें। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, ये तो आपके पास क्या आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड में क्या किया था कि इसको आर रेडियस की एक क्या मान लिया, इसको आर रेडियस की एक डिस्क मान लिया और ये घूम रही है, घूम रही है। तो आर रेडियस की डिस्क जब घूम रही तो आपके पास एक्स डिस्प्लेसमेंट था, एल माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट था। अब ये घूम रही है इसका मतलब एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, वो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मोमेंट ऑफ एनर्जी अभी आपको लेके चलना पड़ेगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टर्म भी आ जाएगा यहां पे। काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी का टर्म आ रहा था अभी तक, लेकिन इसके घूमने की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो चेंज हो रहा है वही लिख देता हूं मैं सेकेंड क्वेश्चन में, उसमें क्या एड हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुली है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। ठीक है, वी क्या था वहां पे देखो, वी वन था एक्स और वी टू था माइनस एक्स। अगर मैं वी मानू दोनों का मोड कर दें तो एक्स ही तो आ रहा है वी आपके पास। ठीक है, एक्स डॉट, ये एक्स डॉट था ये माइनस, तो एक्स डॉट आ रहा है आपके पास, तो v क्या हो जाएगा आपके पास, x डॉट बाई r, v आ गया। अब आपको निकालना क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली, पुली की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 i ओमेगा स्क्वायर होता है। i है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ओमेगा की वैल्यू रख दो, x डॉट स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो जाएगी सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम पीछे तक जो आ रही थी वो तो बाकी सब जब तक ये घूम नहीं रहा था तब तक थी, वो क्या थी, 1/2 m1 + m2 x डॉट स्क्वायर। ये तो पहले तक आई थी वो भी है, प्लस रोटेशनल और जुड़ गई, तो 1/2 i x डॉट स्क्वायर ओवर i r स्क्वायर। तो t क्या आ गई, 1/2 m1 + m2 + i/r² × x² ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है। तो लीजिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी है भाई, वही थी v इक्वल टू कितनी आई थी आपके पास, जो भी थी क्या थी, माइनस m1 gx - m2 gl - x। अब लग्रांजियन क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 + m2 + i/r² x² माइनस माइनस प्लस m1 gx + m2 gl - x। बस ये एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्योंकि पुली जब घूम रही है तब आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और आ जाएगी। अब आपको क्या चाहिए, लग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सिस्टम तो वही है चेंज थोड़ी हुआ है, नहीं तो फिर कंजर्वेटिव वाला ही लगाएंगे। लग्रांजियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या है आपके पास, d/dt डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले तो ये निकालो, डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट क्या हो जाएगा, 1/2 m1 + m2 + i/r² x² का 2x डॉट, तो ये 1/2 से ये कट गया, तो ये तो आ गया आपके पास डेल एल, इसमें x डॉट का टर्म है नहीं तो जीरो। फिर क्या हो जाएगा, डेल एल ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा, m1 g और ये क्या हो जाएगा, m2 gl का जीरो माइनस m2 gx का ये हो जाएगा माइनस m2 g, तो ये क्या हो गया, m1 - m2 × g। ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, d/dt डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट ये रहा m1 + m2 + i/r² × x डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स, तो माइनस m1 - m2 × g इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, m1 + m2 + i/r² ये तो कांस्टेंट है, x डॉट और d/dt करेंगे तो x डबल डॉट माइनस m1 - m2 × g इक्वल टू जीरो।
मैंने कहा था सिर्फ डबल डॉट वाले टर्म को अकेला रखना, उसके साथ कुछ मत रखना। तो एक्स डबल डॉट इसका पूरे में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू प्लस आई ओवर आर स्क्वायर इन टू जी इक्वल टू जीरो। ये तो आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन अगर पूछे तो, और आपको पूछा है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पूछा ना सिस्टम का, तो वो क्या होगा एक्स डबल डॉट इसको उधर भेज दीजिए, ये क्या हो गया एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू प्लस आई ओवर आर स्क्वायर इन टू जी, ये आपके पास इसका क्या आ गया एक्सीलरेशन आ गया। तो दो क्वेश्चन पूछे थे, एक में आपको जो रोटेशनल टर्म है वो मानना नहीं था, दूसरे में उसको मानते हुए करना था। तो इस तरीके से हम लग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन से किसी भी प्रकार की जो क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्या क्या ध्यान में रखना है, सिस्टम का पता लगाना है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, अगर आपको दिया हुआ कुछ भी नहीं है तो आप उसको जनरल फॉर्म से सोल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं वो पता लगाने हैं, और जनरलाइज फोर्स अगर जरूरत पड़ रही है तो वो आपको फाइंड करना है, फिर आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाकी प्रॉब्लम है लगभग इसकी 10 प्रॉब्लम करेंगे हम, तो बाकी जो प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।